तेजस्वी जी, ये कैंसर कार्ड है वो एंटी पेपर लीक है लॉ लाई या इस तरीके से नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद? अब ये तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है, है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है, अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो हैं निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश कर आ जाएंगे। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जनविश्वास यात्रा पर थे, आपने कल समीक्षा बैठक भी की, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं है। जब से सरकार गई है हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की हैं, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को, ये हम लोगों का प्रति पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, आरक्षण ख़त्म हो गया भाजपा ही, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग 15 अगस्त के बाद, देखिए क्या होता है।